कैसा लग रहा है कनाडा की सड़कों पे वापस ड्राइव करके? हाउ डू यू फील? सड़क का कोई इशू नहीं है, गाड़ी का थोड़ा सा। हम लोग इस वक्त है नोवा स्कोशिया के कैपिटल हैलिफैक्स में और हमारी ट्रिप की ये सिटी नंबर 6 है। विनिपेग से हमने ये ट्रिप शुरू की थी और रास्ते में पड़ने वाली हर एक मेजर सिटी घूमने के बाद अब हम लोग आ पहुंचे हैं हैलिफैक्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज डे 1, एक्चुअली टुडे इज डे 2 ऑफ हैलिफैक्स। वी रीच्ड हियर यस्टरडे नाइट एंड टुडे वी आर ऑन आवर वे टू अ शॉपिंग सेंटर। वी आर गोइंग टू पिक अप अ कार एंड देन फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू हेड टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन व्हिच इज पेगी'स कोव। हम लोगों ने घूमने के लिए गाड़ी बुक करने का इरादा किया क्योंकि हैलिफैक्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोरंटो या मॉन्ट्रियल जितना एफिशिएंट नहीं है। ट्यूरो एक ऐप है जिसकी मदद से हमने हमारी रेंटल कार बुक की। ऐप इज कन्वीनियंट और शायद इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा महंगा है एंटरप्राइज के मुकाबले। हम लोग को एक पूरे दिन का कॉस्ट आया $106। गाड़ी में हमने अपना सामान वामान रखा और फिर हम लोग निकल गए पेगी'स कोव की तरफ। गाड़ी की स्टीयरिंग हद से ज्यादा टाइट थी बट सिर्फ तभी जब गाड़ी रुकी हुई थी। अगर गाड़ी चल रही हो तब इट वॉज नॉर्मल। टेक एग्जिट 1A, कंटिन्यू फॉर 1.5 किलोमीटर्स। स्पीड लिमिट इज 110 और इज इट लाइक ओ या मैक्सिमम? हाउ मच एम आई एट? यू आर ऑन 100। तो ठीक से दिखेगा नहीं? पेगी'स कोव हैलिफैक्स डाउनटाउन से सिर्फ 1 घंटा दूर था बट हमें वो 1 घंटे का भी सफर पता नहीं चला क्योंकि रास्ता काफी खूबसूरत था। कंटिन्यू फॉर 800 मीटर्स। सामने देखो सामने। पेगी'स कोव यहाँ के विलेज का नाम है और ऐसा माना जाता है कि ये नाम एक लेडी के नाम पे रखा गया था जो कि एक इकलौती सर्वाइवर थी एक शिपरेक की। वी हैव फाइनली रीच्ड पेगी'स कोव एंड वी गॉट द पार्किंग एंड दैट्स द लाइट हाउस। So the plan is that we'll go all the way to the lighthouse and then we'll try to fly the drone and see how beautiful it looks. Let's go. Yeah, it's cold. So, hero nahi banne ka jacket pehen lo. Sabse famous hai yahan ka lighthouse jisko dekhne na jaane log kahan kahan se aate hain. That is the Pegisco Cove, the lighthouse that we were talking about. That's it. Yeah. That's it. We're on. लाइटहाउस के अलावा ये एरिया ग्रेनाइट रॉक्स के लिए भी मशहूर है। हर तरफ यहाँ पे आपको बोल्डर्स नजर आएंगे जिन पे आप चाहें तो चढ़ भी सकते हैं। गिरोगे ना पानी में तो। थोड़ी देर और वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद वी डिसाइडेड टू गेट सम ड्रोन शॉट्स ऑफ दिस प्लेस। ड्रोन शॉट्स के साथ साथ आज के वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है कैनेडियन इस्लामिक वेल्थ CIW। This is an Islamic investment firm which specializes in halal investing and has helped a lot of people in Canada to save money on their income tax. If you are in Canada and if you want to save money on your income tax, then you can reach out to Jesse before March 1st and he can help you to save money through RRSPs. All the details are present in the description below, so do check them out after the video. So that's the place. And again, we keep doing this. So we don't know where to keep these pictures. For the time being, this is where they rest. So beautiful. So we are done with Pegi's Cove and now we are heading towards Citadel. On our way we are going to stop at a Tim Hortons and probably get a coffee, French vanilla. What else? What do you want to eat? Something else to eat as well. What do you want to eat? Surprisingly, Doner Halifax ka national food hai. खाने पीने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए सिटाडेल की तरफ। We have arrived at the Citadel. That's what it is. That's not the Citadel. I mean, this is the way to go there. Watch out. सिटाडेल एक मिलिट्री फोर्ट था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था फ्रेंच और अमेरिकन अटैक से बचने के लिए और आज ये टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट हो गया है। The gun firing at Citadel happens at 12 PM, so we have missed today's spot. It is right now 3 PM. That's something which I wanted to do and that's not gonna happen. And there are horses. I don't know if you can see that, but it's some kind of a stable. We'll go there. And you can smell them from here. You can smell the horses. Horses poop basically. Yeah. Big boy. एक लात मारेगा ना
will not survive. Huge. वहां से फिर हम लोग बढ़ गए वाटर फ्रंट की तरफ. This is the hammock life of Zach and Cody. Sweet life of hammock life of Ashan and Abhiya. वाटरफ्रंट के बाद हम लोग ने थोड़ा सा डाउनटाउन का चक्कर लगाया गाड़ी में और फिर हम लोग वॉलमार्ट बढ़ गए ग्रोसरीज खरीदने के लिए. That's never happened before. Asher is thinking which rack should he take.